ममता बनर्जी जी ने नारा दिया था खेला होवे, खेला होवे। उत्तर प्रदेश की जनता नारा दे रही है खदेड़ा होवे, खदेड़ा होवे, खदेड़ा होवे, खदेड़ा हम कर देंगे। बिल्कुल खदेड़ा होगा, बिल्कुल खदेड़ा होगा, हम नहीं करेंगे, जनता खदेड़ा कर रही है। देखा आपने, आप बहुत ऐसी वीडियो वायरल हो रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बहुत बड़े नेता हैं उनकी गाड़ियों पे जनता डंडा बजा रही है और उनको कह रही है कि इनका मुंह काला करो, यहाँ से भगाओ। 22 में बाइसाइकिल आएगी और इस उत्तर प्रदेश को जो इन लोगों ने डुबोने का काम किया है दोबारा से विकास के उस रास्ते पे, उस पथ पे लेके चलेंगे कि जहाँ से नौजवानों का, व्यापारियों का, तमाम लोगों का, हर वर्ग का भला होगा, ऐसी सरकार आपके बीच में 10 मार्च को आने जा रही है। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजे टीवी न्यूज। अभी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में मौजूद हूं और नोएडा महानगर के पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष थे नोएडा महानगर के राकेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी यूपी में चुनाव का माहौल काफ़ी तेज हो गया है, सरगर्मी काफ़ी तेज हो गया है, तो इनसे हम जानना चाहेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से भी आपके प्रत्याशी हैं चौधरी जी, तो क्या कैसा माहौल है वर्तमान में? यहाँ से विधायक जो है पंकज सिंह जी हैं, तो क्या उनको मत दे पाएंगे? देखिए, जो हमारे प्रत्याशी हैं, समाज पार्टी के प्रत्याशी सुनील चौधरी जी, वो पिछले 5 साल से जनता के बीच में हैं और जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो चुनाव जीत करके वो यहाँ से गायब हैं। लड़ाई है चौकीदार में और एक राजा के पेटा में। अब लड़ाई यहाँ पे किसानों की जो समस्याएं हैं वो लगातार ऐसी की बनी हुई, जैसी पहले बनी हुई थी आज भी बनी हुई है। यहाँ आप लोगों ने देखा होगा 4 महीने से लगातार किसानों ने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ का व्यापारी परेशान है, यहाँ का नौजवान परेशान है, कोई इन भारतीय जनता पार्टी का कोई मैन्युफैक्चर नहीं है। केवल ये झूठ की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं, इनका कोई विकास के नाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर विकास हुआ है तो अमित शाह जी के बेटा जय शाह का विकास जरूर हुआ है। सर, अमित शाह जी का बेटे का, शाह जी का विकास हुआ है। हम ये भी जानना चाहेंगे, आपने ये भी बात कही कि चौकीदार और राजा के बेटा में लड़ाई है, तो राजा के बेटा अगर कहें तो अखिलेश जी आपके जो नेता हैं वो मुलायम सिंह यादव जी के बेटा है, यानी सत्ता में रह चुके थे, तो राजा के बेटा उन्हें भी तो बताएंगे? नहीं, राजा के बेटा वो नहीं है, उनको जनता ने चुन करके अपना नेता माना है और उन्होंने 5 साल मुख्यमंत्री के रहते हुए जनता के हितों के कार्य किए हैं। वो जनता से भागे नहीं है, यहाँ का विधायक तो भाग चुका है। कहाँ है यहाँ का विधायक बताओ? किसी के दुख में है, दर्द में है, सुख में है, कहाँ है? है ही नहीं कहीं भी। मुख्यमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश यादव जी, तो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए इस नोएडा शहर के लिए कितनी सौगात, मैं अगर आपके चैनल पर बताना चाहूँ तो मैं समझता हूँ कि घंटा भी कम पड़ जाएंगे, 2 घंटा भी कम पड़ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोटा मोटा बताना चाहता हूँ, यहाँ के लिए एलिवेटेड दिए, अच्छा हॉस्पिटल दिया, अंडर पास दिए। जिस गांव का मैं निवासी हूँ, सरपावाद का मैं रहने वाला हूँ, उस गांव में बहुत अच्छा स्टेडियम बना के दिया बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। और हुशियारपुर गांव है, उसमें बालिका इंटर कॉलेज बना के दिया। बहुत तमाम ऐसी चीज़ें किसानों के लिए, यहाँ पे किसानों का जो मुआवजा था पहले बहुत कम था, उसमें आकर के अखिलेश जी ने वो मुआवजा लगभग 52 लाख के आसपास किया। और यहाँ के जो 5% के प्लॉट थे किसानों की समस्या जो रहती थी, उनको भी निस्तारण करने का काम किया। और यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ सिर्फ विधायक जी, मुझे अपने कार्यकाल की 5 योजना बता दें और यहाँ की जनता के लिए विधानसभा में कितने क्वेश्चन उठाएं ये मुझे बता दें। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे, इस बार फिर से चुनाव है, तो इस बार क्या क्या मैनिफेस्टो में होगा आपका? देखिए, अभी हमारा जो मैनुफैक्चर है वो अभी बन के तैयार हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ ऐसी हैं जैसे लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता, 300 यूनिट बिजली फ्री और जो विधवा पेंशन थी वो तमाम पहले ही हमारी पार्टी कह चुकी है और अभी मैन्युफैक्चर हमारा बन रहा है, घोषणा पत्र हमारा जारी हो जाएगा, वो आपके बीच में आ जाएगा। और केवल समाज पार्टी ना विकास की काम करती है और विकास के काम कर रहे हैं। समाज पार्टी की नीति कभी भी ये नहीं रही कि द्वेष भावना से समाज पार्टी काम करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति ये है कि नौजवानों को रोजगार नहीं दिया और अच्छी कोई हेल्थ सुविधा इनके पास नहीं है। और इन्होंने कोरोना के टाइम में, मैं आपको बताऊं,
जो इंसानियत होती है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने का काम किया। सर जब आ रहा था तो आपके ऑफिस के आगे एक होर्डिंग लगा था जिसमें लिखा था कुछ दिन से फिर आ रहे हैं अखिलेश। बिल्कुल 100% वाली बात, सही बात है। ये हम नहीं कह रही है, ये जनता कह रही है, ये जनता की आवाज है। और जनता चाह रही है कि हमारे जो पूर्ण मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वो पूर्व हट जाए और दोबारा से हमारे बीच में जाए, फिर विकास की गंगा बहेगी उत्तर प्रदेश में। उपयोगी को नकार देगी इस बार यूपी की जनता 100%। किस चीज के उपयोगी, किस चीज के बताओ ना कोई मुझे, उनका ये तो मुझे बता दो कि इस चीज के उपयोगी है बताओ। कोरोना टाइम में जब 2021 में कोरोना चल रहा था, पीक अवर कोरोना था, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, लोगों को दवाई नहीं मिली, हॉस्पिटलों में जो सरकारी हॉस्पिटल थे डॉक्टर नहीं थे वहाँ, ये तो आपस में रिश्तेदार लोग आकर के उन लोगों ने एक दूसरे की मदद करी, तब जाकर के लोगों की जान बची है। और इन्होंने एक भी, आप लोगों ने देखा होगा 2020 में आज रैली कर रहे हैं, वो रैली निकल रही थी इनके खिलाफ, जब लोग रोड पर निकल रहे थे कोरोना टाइम में, तो मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, उनके लिए बस ट्रेन क्यों ना सुविधा दी, रोड पर लोग मर गए, 700 लोग किसान मर गए, क्या एक किसान के परिवार के लिए किसी ने उन्होंने बोला है कि ये जो शादत हुई है किसान की, हम इनके बारे में कुछ सोचेंगे, या इस परिवार को कुछ योग्यता अनुसार जो जॉब होगी जॉब देंगे या नौकरी देंगे, किसी ने कुछ नहीं कहा। इन्होंने झूठे बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। योगी जी तो ये भी कह रहे हैं 80 बनाम 20, ये 80 बनाम ये कुछ भी कहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ 10 मार्च को आप भी यहीं रहेंगे, 10 मार्च को हम भी यहीं रहेंगे, इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, झूठ बोल करके उत्तर प्रदेश के अंदर घुसे हैं ये, 14 वर्ष कहते हैं ना, 14 वर्ष से बाहर भारत है, 14 वर्ष में झूठ बोल करके आ गए अंदर घर में, ठीक है। लेकिन इस बार जनता ऐसा इनका इंतजाम बांध देगी कि दोबारा उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे। सर यूपी के जो सांसद आपके हैं गोरखपुर से रवि किशन जी, उनका कहना है कि यूपी में सपा, सपा देखो पहले ममता बनर्जी जी ने नारा दिया था खेला होवे, उत्तर प्रदेश की जनता नारा दे रही है खदेड़ा होवे। बिल्कुल खदेड़ा होगा, हम नहीं करेंगे, जनता खदेड़ा कर रही है। देखा आपने, आप बहुत ऐसी वीडियो वायरल हो रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बहुत बड़े नेता हैं उनकी गाड़ियों पे जनता डंडा बजा रही है और उनको कह रही है कि इनका मुंह काला करो, यहाँ से भगाओ। 22 में बाइसिकल आएगी और इस उत्तर प्रदेश को जो इन लोगों ने डुबोने का काम किया है दोबारा से विकास के उस रास्ते पे उस पथ पे लेके चलेंगे कि जहाँ से नौजवानों का, व्यापारियों का, तमाम लोगों का, हर वर्ग का भला होगा, ऐसी सरकार आपके बीच में 10 मार्च को आने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। हम 26 जनवरी भी आने वाला है गणतंत्र दिवस, तो हम चाहेंगे कि अपने प्रदेशवासियों को, उत्तर प्रदेशवासियों से क्या कहना चाहिए। मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 26 जनवरी जो हमारा एक बहुत बड़ा पर्व है उसके लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि सबका दिन मंगलमय हो और नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राकेश यादव जी, जो पूर्व जिलाध्यक्ष थे नोएडा महानगर के, गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है नोएडा महानगर। तो देखना ये है कि 22 में बाइसाइकिल चलती है, क्या कुछ होता है, पल पल की जानकारी देंगे और भी विधानसभा का दौरा करेंगे, वहाँ की ग्रामीण का क्या माहौल है, वहाँ की जनता का क्या माहौल है, क्या वोटर कहते हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहें AJTV न्यूज़।